नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल जेके एरोटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े बैंक SBI के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है, और आज जो है हम इस वीडियो में SBI के शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए, SBI का वो कौन सा इम्पोर्टेंस लेवल है जिसको यदि ये ब्रेक करता है तो SBI में एक बड़ी आग लग सकती है। यानी कहने का मतलब है कि SBI में एक बड़ी ग्रोथ होने की संभावना है यदि ये लेवल क्रॉस हुआ है तो। देखिए, इंडिया में SBI को जो है मिनी RBI कहते हैं, यानी SBI का जो ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा है और ये सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला बैंक है। ठीक है, सबसे पहले इसके 52 वीक हाई और लो प्राइस को देखते हैं। इसके 52 वीक का जो लो प्राइस है वो है दोस्तों 149.45 रुपये, जो 22 मई 2020 को बना था, और इसका जो 52 वीक का हाई प्राइस है वो है दोस्तों 351 रुपये, जो 28 नवंबर 2019 को बना था। यदि बात की जाए आज की ट्रेडिंग सेशन में, तो आज 193.35 रुपये से ये शेयर ओपन हुआ। 193.80 रुपये का इसने हाई बनाया और 190.50 रुपये का इसने लो बनाया, और इसकी लास्ट ट्रेडर्स प्राइस आज की रेट की थी दोस्तों 191.90 रुपये। टोटल इसमें 0.18% की जो है नेगेटिविटी देखने को मिली, यानी टोटल 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, यदि बात की जाए शेयर होल्डिंग की, तो SBI का शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास जो है 57.63% की शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है, और पब्लिक यानी आम जनता के पास दोस्तों 42.37% की शेयर होल्डिंग जो है आम पब्लिक के पास है। ठीक है, यानी आम लोगों के पास 42.37% की शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास जो है 57.63% की हिस्सेदारी जो है शेयर होल्डिंग जो है पड़ी हुई है। ठीक है, अब SBI की एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि सबसे बड़ी बेनिफिट पॉजिटिव न्यूज़ ये है SBI के लिए कि जो इसका Q4 यानी Q4 का जो रिजल्ट आउट हुआ था, इसमें SBI को जो है 14,488 करोड़ का, जी हाँ दोस्तों, 14,488 करोड़ का शुद्ध बेनिफिट हुआ था, जबकि पिछले सेशन में इस बैंक को 862 करोड़ का फ़ायदा हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में SBI को 14,488 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये शेयर जो है बहुत ही बड़ा शेयर है, और ये बैंकिंग सेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये डूबेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि ये डूब गया तो सारे बैंक धराशायी हो जाएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि SBI का यदि लेवल टूटा तो लग सकती है बड़ी आग। तो वो कौन सा लेवल है? देखिए, SBI का वो सबसे बड़ा लेवल है दोस्तों 200 रुपये का, क्योंकि 200 रुपये का पिछले 2-3 महीने से लगातार ये शेयर जो है 192-195 के करीब जाकर फिर उस लाइन को टच करके वापस आ जा रहा है। अभी पिछले 5 दिनों की बात की जाए, पिछले बृहस्पतिवार की बात की जाए, तो ये शेयर 199 रुपये तक भी गया था, लेकिन 199 के बाद फिर ये डाउनफॉल्ट हो गया और फिर 190 से लेके 199 के बीच में ये घूम रहा है। यदि ये शेयर दोस्तों 200 के लेवल को टच करता है तो इस शेयर में एक बड़ी उछाल देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक इंडिया का जो Q4 रिजल्ट था वो बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट था, उसमें काफ़ी फायदा हुआ था बैंक को, तो जाहिर सी बात है ये 200 रुपये का लेवल जो है जरूर टच करेगा। यदि ये 200 रुपये का लेवल टच करता है तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कमेंट कीजिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को कितने प्राइस में बाय करके होल्ड करके रखा है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।